हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार तुलसी सेवा प्रोडक्शंस के कार्ड्स ऑफ भक्ति के नए एपिसोड में। यह हमारा 8वां एपिसोड है। पहले 7 एपिसोड हमने रिलीज किए हैं। अगर आपको नहीं पता ये गेम क्या है तो आप जाकर वो 7 एपिसोड देख सकते हैं। इन कार्ड से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, होप आप भी सीख रहे होंगे। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं सब शेयर कर रहा हूँ जो मैंने सुना डिवोटीज से, गुरु महाराज से और भी लोगों से, जो सुना वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई टोल्ड यू मुझे कुछ नहीं आता, मैं शेयर कर रहा हूँ, शायद इससे आपको कोई लाभ मिल जाए, बस मेरी यही एक आशा है आपसे। तो कार्ड आज देखते कौन सा निकालते हैं, लेट्स सी। सबसे ऊपर से ये आया है आज एंथुसियाज्म, मतलब उत्साह। तो ये गाइड बुक में से देखते हैं उत्साह के बारे में प्रभुपाद ने क्या कहा है और भगवद गीता एज इट इज में क्या लिखा है। जैसा कि मैंने कहा कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो इजी रहेगा। तो अब मिल गया है ई से एंथुसियाज्म, उत्साह। अब देखते हैं क्या है। वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट एसोसिएशन विद द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, विदाउट फॉल्स ईगो, विद ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड एंथुसियाज्म and without wavering in success or failure is said to be a worker in the mode of goodness। तो ये लिया गया है भगवद गीता के 18th चैप्टर के 26th श्लोक से। फिर प्रभुपाद ने बताया है without enthusiasm, उत्साह के बिना one cannot be successful, कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। Even in the material world one has to be very enthusiastic in his particular field of activity in order to become successful। Enthusiasm means action, but action for whom? The answer is one should always act for Krishna। तो कितना सुंदर बताया ना प्रभुपाद ने, प्रभुपाद was genius। तो without enthusiasm मतलब उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। देखिए प्रभुपाद ने बताया कि हमें पर्टिकुलर, जैसे कि कोई हमारी फील्ड है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई खिलाड़ी बनना है या कुछ भी बनना है जीवन में, उत्साह के बिना, एंथुसियाज्म के बिना हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो उत्साह इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ। लेकिन प्रभुपाद ने कहा है कि एंथुसियाज्म मीन्स एक्शन, एंथुसियाज्म मतलब कि उत्साह का मतलब ये नहीं कि बस बैठ जाए और बोलते रहे कि मेरे अंदर बहुत उत्साह है, इस कार्य को करने का उत्साह है। उत्साह तो ठीक है बट उसे एक्शन में भी लाना है ना, उसे एक्शन में जब लाएंगे तब वो उत्साह माना जाएगा कोई भी फील्ड में अगर हमें सक्सेस होना है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद ने कहा है कि जब पर्टिकुलर फील्ड यानी कि कोई भी चीज़ में इस मटेरियल वर्ल्ड की हमें उत्साह चाहिए तो क्या भक्ति में नहीं चाहिए होगा उत्साह? तो रियल उत्साह क्या है? जब नॉर्मल एक्टिविटीज़ में उत्साह से और भक्ति जो कि हमें हाईएस्ट चीज़ देगी इस दुनिया में, मतलब इस जगत में हाईएस्ट चीज़ जो कि हमें वापस गो बैक टू गॉड हेड जाना है ना, उसके लिए तो क्या हमें उत्साह नहीं चाहिए? नॉर्मल एक्टिविटी के लिए इतनी मेहनत, इतना उत्साह, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए हम इतना उत्साह नहीं दिखाते, ना ही हार्डवर्क करते हैं, ना सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तो फिर कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक? क्योंकि अल्टीमेट जो एम है इस लाइफ का वो तो यही है कि गो बैक टू गॉड हेड, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे मुक्त हो जाना और भगवान के धाम को प्राप्त होना, ताकि दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में ना आए। जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि दुखालियम अशाश्वतम, यानी कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है और टेम्परेरी है, अशाश्वतम है, तो यहाँ पर दोबारा नहीं आना, यहाँ से निकलना है। दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेड, दैट्स व्हाट ऑल द ग्रेट आचार्या सेड, दैट्स व्हाट ऑल द डिवोटीज सेड, व्हाट भगवद गीता सेज। तो वो कैसे होगा? वो उत्साह से होगा। एंथुसियाज्म बहुत ज़रूरी है नॉर्मल लाइफ में किसी भी कार्य में, लेकिन भक्ति में जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है तो वहाँ जरूर उत्साह तो मस्ट है। पर प्रभुपाद ने कहा द आंसर इज वन शुड ऑलवेज एक्ट फॉर कृष्णा। तो प्रभुपाद ने कहा कि हमें हमेशा एंथुसियाज्म कृष्णा के लिए दिखाना है, यानी कि हम नॉर्मल एक्टिविटी भी करते हैं तो वो भी भगवान की सेवा के लिए ही करना है। ये बात कितनी बार हम सुन चुके हैं ना,
तो एंथुजियाज्म भक्ति में बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हम नॉर्मल लाइफ में दिखाते हैं, भक्ति में तो और ज़रूरी है, क्योंकि दैट्स द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो आज हमने सीखा उत्साह कितना ज़रूरी है भक्ति में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट अ लाइक बटन, एंड मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, 9th एपिसोड में। होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये प्रयास। तो अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हेल्प अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।